दोस्तों कैफी आजमी जी की एक अगली कविता है, इसका शीर्षक है मकान। और इस कविता को पढ़ने से जो मुझे लगा कि ये कविता कैफी आदमी ने उस समय जो बंबई में छोटे तबके के लोग मेहनत मजदूरी करने वाले थे, उनका जीवन कैसे बीतता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। उन्होंने दिखाया है कि ये जो मजदूर और जो श्रमिक वर्ग है, जो दिन में बड़े बड़े मकान खड़े करने के लिए उस पर मेहनत करता है, शाम को उसको सोने के लिए खुद ही मकान नहीं मिल पाता है। तो ऐसा मेरा नज़रिया है इस कविता को पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि इसमें वही दर्शाने की कोशिश की गई है। तो मैं पढ़ता हूँ इस कविता को। शीर्षक है मकान। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमी तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है, नमकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर जरा और सवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमा की लवें, आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसन तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरी से तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनते पहम की थकन, बंद आंखों में इसी कसन की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है इसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सिया तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।